प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों तीन खेती कानूनों बारे किए गए दावों ते किसानों लई किए कामों बारे जारी पत्र बारे किसान अंदोलन की अगवाई करने वाली आल इंडिया किसान संघर्ष आपसी प्रतिक्रिया जाहिर की है प्रधानमंत्री ने देश के किसानों खिलाफ खुला हमला बोलदिया यह दावा किया है कि उन्होंने संघर्ष विरोधी पार्टी जुड़िया हुआ है। प्रधानमंत्री ने तिने नवे खेती कानूनों की समस्या हल करने की बजाय जिड़ी किसानी की जमीन और खेती से पकड़ खत्म करेगी और विदेशी कंपनियों के व्डे कारोबारियों उत्साहित करेगी। एक पार्टी नेता के देश के जिम्मेवार कार्यकारी राष्ट्रपति वजो प्रधानमंत्री ने अपना अहदा की भूमिका का अपमान किया। उसकी सरकार ने खेतीबाड़ी सुपरस्ट्रक्चर में कारपोरेट निवेश उत्साहित करने लिए 1,00,000 करोड़ रुपए अलाट किए हैं जो कि सरकार को यह सहूलत अपने आप या सहकारी खेतर द्वारा मुहैया करवाई जानी चाहिए ने। प्रधानमंत्री को पता होना चाहिए है कि जिथे झोने की MSP 1870 रुपए है उत्थे किसान इस 900 रुपए में बेचने मजबूर ने। खेतीबाड़ी मंत्री द्वारा लिखे खुले पत्र की आलोचना करदिया AIKSCC ने कहा है कि पत्र कांग्रेस आप अकाली इतिहास से उन्होंने समझ का हवाला देता है जो किसानी अंदोलन के मुद्दे नहीं है। पत्र में झूठा दावा किया है कि किसानी की जमीन नत्थी नहीं किया जाएगा जबकि इकरारनामा कानून 2020 कहा गया है कि पैसा प्राप्त करने लिए किसानों तारा 9 अधीन वक्रे तौर पर जमीन गिरवी रखनी पैंदी है और उसने तारा 14.2 अधीन कंपनी तो कर्जा लिया है इसलिए उसकी वसूली 14.7 के अधीन जमीन के बकाए वजो होगी। MSP बारे मंत्री का भरोसा इस तथ्य द्वारा गलत साबित होया है कि NITI आयोग के माहर यह कह रहे हैं कि सरकार को बहुत सारे भोजन का भंडार है ना तो खरीदने कोई थां है और ना ही पैसे और मंत्री सरकारी खरीद लई कोई कानून बनाने तो इनकार करते रहे हैं। समय सिर अदायगी वर्गे होर दावों से कानून कहता है कि फसल 3 दिन बाद रसीद के भुगतान दे के लिया जाएगा और ये अदायगी फसल को अगे बेचने तो बाद की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट आवाजकम TV।